नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जल्द ही देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हर तरफ लड्डू गोपाल के जयकारे लगाए जाएंगे। जन्माष्टमी पर खास तौर पर लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग सबसे प्रिय है, लेकिन पंचामृत का भी खास महत्व होता है। जब आधी रात को लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है तो उस समय पंचामृत बनाकर भगवान को भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि पंचामृत में ऐसी कौन सी 5 चीजें शामिल होती हैं, उनकी मात्रा कितनी रखी जाती है और पंचामृत का भोग लगाना क्यों जरूरी है, ये सभी बातें हर कोई नहीं जानता। इसी कड़ी में लोकल 18 ने वाराणसी के पंडित संजय उपाध्याय से खास बातचीत की। उन्होंने पंचामृत से जुड़ी कई बातें बताई जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पंचामृत यानी 5 चीजों से बना प्रसाद। पंचामृत का भोग लगाना बेहद अच्छा माना जाता है। पंचामृत में कौन कौन सी 5 चीजें शामिल होती हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, भगवान को शरणा पंचामृत जो है बहुत प्रिय है और पंचामृत बनाने के लिए कुछ 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है जिनसे हम लोग पंचामृत तैयार करते हैं। इसमें घृत होता है, मधु होता है, शक्कर होता है, दही होता है और दूध। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का इस्तेमाल होता है, पर सवाल है कि ये चीजें कितनी मात्रा में डाली जानी चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं। का भी वर्णन शास्त्र में किया गया है, घृत का दुगना मधु होना चाहिए, मधु का दुगना जो है शक्कर होना चाहिए, शक्कर का दुगना जो है दही होनी चाहिए और दही का दुगना जो है दूध होना चाहिए, तभी जा करके पंचामृत का निर्माण होता है। पंचामृत में कौन कौन सी चीजें होती हैं और उन्हें कितनी मात्रा में मिलाकर प्रसाद बनता है, आपने ये तो जान लिया। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पंचामृत का भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस बारे में पंडित जी ने क्या कहा, सुनिए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं लोगों को, और ये पंच चीजें जो है पंच अमृत के समान हमारे अंदर काम करती हैं, पंच इंद्रियों पर अपना प्रभाव डालती हैं, इसलिए इनका महत्व विशेष है। जन्माष्टमी पर जब आप भी श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत में इस्तेमाल होने वाली 5 चीजें कौन सी हैं और कितनी मात्रा में डाली जानी चाहिए, इन बातों का खास ख्याल रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।